साम शुरू से ही श्री कृष्ण और राधा के प्रेम संबंध पर आपत्ति जताता आया है और उनका जान का दुश्मन बना पड़ा है। साम के चलते ही श्री राधा अपने कृष्ण को भूल जाएंगे, वो भी सदा सदा के लिए। यही भयानक एपिसोड आप कल रात के एपिसोड में देखने वाले हैं। कल रात के एपिसोड में देखेंगे कि साम एक ओर से डमरू बजाएगा और एक ओर से श्री कृष्ण अपनी बाँसुरी बजाएंगे। श्री कृष्ण की बाँसुरी सुनकर राधा अपना प्रेम और भी ज़्यादा पूर्ण कर रही होंगी, तभी साम के डमरू की आवाज कृष्ण की बांसुरी की आवाज को दबा देगी और राधा के कानों में बांसुरी की जगह डमरू की आवाज ज्यादा सुनाई देगी। उसी के पश्चात श्री राधा एकदम चक्कर आकर के बेहोश हो जाएंगी और कृष्ण दौड़कर उन्हें अपनी बाहों में संभाल लेंगे। जैसे ही श्री राधा अपनी आंखें खोलेंगी, वह सब कुछ भूल जाएंगी कि कृष्ण कौन है, और उनको बहुत तेज सर में दर्द होगा और चक्कर आएंगे। जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, वो कृष्ण को अपने पास देख कर उन्हें दूर से धक्का देती हैं और कहती हैं कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे हाथ लगाया और उठाया। जैसे ही उन्हें होश आएगा, वो साथ ही पूछने लगती हैं कृष्ण से कि आप हैं कौन, आपने मुझे स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया। श्री कृष्ण ये देख कर कि राधा रानी उन्हें भूल चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और चिंता और परेशानी और दुख उनकी आंखों में बहने लगेगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि जब राधा भूल चुकी हैं अपने प्यारे कान्हा को एक बार फिर से, तब कैसे श्री कृष्ण राधा को एक बार अपनी सारी स्मृतियां वापस करवाएंगे और कैसे अपना रिश्ता राधा के साथ दोबारा जोड़ पाएंगे, ये देखना होगा कल रात के एपिसोड में। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग, लेकिन एक बात तो तय है कि साम ने जो ये हरकत की है उसके पश्चात साम का अंत तो बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। लेकिन उससे पहले श्री कृष्ण और राधा के इस नए ट्विस्ट वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कॉमेंट ज़रूर करें। We'll be right back.